टेस्ट क्या है योयो की गुत्थी, इसमें क्यों इतने खिलाड़ी फेल होते हैं, क्या ये सही में इतना मुश्किल है? चलिए देखते हैं। क्या योयो टेस्ट पहले क्रिकेट में होता था या किसी और तरीके से ये जो योयो टेस्ट है इसका नाम कुछ और रख दिया गया था? नहीं यार, ये पहले भी होता था लेकिन इसका नाम कुछ और था। बिकॉज पहले अगर मैं टेस्ट के नाम बताऊँ तो आपको बीप टेस्ट, शटल रन कुछ ऐसे नाम थे, जिसमें क्या करना था आपको 20 मीटर का एक दायरा था वो कवर करना था, जब तक अगली बीप नहीं बजे आपको रन करते रहना है, भागते रहना है। लेकिन योयो टेस्ट ने क्या रेवोल्यूशन लाई है क्रिकेट में कि इसका अदर नाम है इंटरमिटेंट रिकवरी टेस्ट। और वो नाम क्यों है इंटरमिटेंट? नाम इसलिए है कि आपको वही बीप टेस्ट की तरह, शटल रन की तरह आपको 20 मीटर का दायरा ए कौन से लेंगे बी कौन तक आपको 20 मीटर भागते रहना है। लेकिन जब अगली विसल बजेगी तो इसमें आपको रिकवरी फेस भी मिलेगा, जो आपको मिलेगा ए से लेके सी तक के बीच में, जैसा कि मैं शो कर पा रहा हूँ। ए से लेके सी तक की डिस्टेंस है 5 मीटर और रिकवरी फेस आपको कम से कम 10 सेकंड का मिलेगा, ठीक है? तो आपको पहले रन करते रहना है, 10 सेकंड का रिकवरी फेस मिलेगा, उसके बाद इंस्टेंट जैसी बीप बजती है आपको हाथों हाथ भागना है। तो अगर ऐसा क्यों करा गया योयो टेस्ट? बिकॉज अगर आपने क्रिकेट देखा हो, ढंग से अगर गौर किया हो, तो क्रिकेट में क्या होता है, अगर बैट्समैन है जैसे, वो एक रन लेता है उसके बाद रुकता है, उसके बाद उसको थोड़ी सी रिकवरी मिलती है, फिर दूसरा रन लेता है, फिर रुकता है, फिर रिकवरी मिलती है। तो यही तो करना है यार योयो टेस्ट में। तो योयो टेस्ट कहाँ से मुश्किल हुआ मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, और काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर फेल भी हैं, उनके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो योयो टेस्ट जो है वो बेसिकली करा क्यों जा रहा है? बिकॉज एक ही टेस्ट से हम अपना एंड्योरेंस, स्टेमिना, मेंटल स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है क्रिकेटर की फिटनेस लेवल टेस्ट करने के लिए। अगर आप फर्स्ट क्लास लेवल के भी क्रिकेटर हैं ना यार, तो भी आप ये टेस्ट पास कर जाएंगे। तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक। सो गाइस, एज यू कैन सी, इसमें है दो फेस, एक 20 मीटर का और एक 5 मीटर का। जैसे कि मैं आपको शो कर पा रहा हूँ कि 20 मीटर वाले फेस में मैं रनिंग कर रहा हूँ, और 5 मीटर वाला जो फेस है वो है हमारा रिकवरी फेस। तो गाइस, वीडियो लास्ट तक देखना, बोर मत होना, ठीक है? तो देखते रहो, मज़ा आएगा, ठीक है? आपको करके दिखाया अभी कि यार योयो टेस्ट में क्या है, आपको ए से बी तक जाना है, फिर ए से सी तक जाना है, रिकवरी फेस मिलेगा। और मैं कुछ बड़े प्लेयर्स का नाम ले रहा था जो काफ़ी बड़े लेजेंड हैं, और काफ़ी यंगस्टर भी हैं इसमें जो फेल हो गए हैं, वो पिछले ईयर्स में काफ़ी जने फेल हुए थे। जैसे कि मैं नाम बताऊं तो अगर आपको युवराज सिंह, सुरेश रैना, यंगस्टर की अगर मैं बात करूं तो वाशिंगटन सुंदर है, और मनीष पांडे तो 19 तक कर देते हैं यार, मनीष पांडे और मोहम्मद शमी, संजू सैमसन, ये सारे प्लेयर फेल हो चुके हैं। तो 2018 में जब इंग्लैंड का दौरा था तो उसमें सुरेश रैना और युवराज सिंह, मोहम्मद शमी, ये प्लेयर जगह नहीं बना पाए थे बिकॉज इन्होंने योयो टेस्ट जो है वो पास नहीं किया था। तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है बेसिकली मेरे हिसाब से, तो इसमें कोई इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और जिन प्लेयर को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो उनके फिटनेस लेवल में काफ़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज ये टेस्ट इतना हार्ड नहीं है यार, बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट है। तो यार इस पे मैं बनाऊंगा 2 वीडियो, तो ये चल रही एक सीरीज़, ठीक है? तो 2 वीडियोस की एक सीरीज़ है। तो अगले वीडियो में हम योयो टेस्ट के बारे में और बात करेंगे कि यार ये सच में इतना हार्ड क्यों लगता है प्लेयर्स को, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैंने जितना बताया, उम्मीद है कि आपको योयो टेस्ट अच्छे से समझ आया होगा, और आया है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने मतलब क्या सही बोला, और कुछ गलतियां होंगी तो वो मेरे को आप कमेंट में करके बता सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना और आई बटन पे क्लिक करना, नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पे एक अनाउंसमेंट होने वाली है बहुत जल्द, कुछ दिनों में। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए।
जो फिट है वो हिट है, और स्टे एट होम बिकॉज कोरोना वायरस अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, और इसी वजह से मैं ग्रीन फील्ड में शूट नहीं कर पाया बिकॉज बीकानेर में सारे ग्राउंड्स और सारे पार्क्स जो हैं वो बंद हैं, तो इस वजह से मेरे को आपको यहाँ पे करके दिखाना पड़ा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।